Sir, welcome to NI, and first of all, tell us something about your new teaser. Thank you guys for having me, and this new song is called Uljha. It's a single, and we've released it on VLT, which is Vishal Dadlani's label, and also DG Records. We've been working on the single since January now, and it's one that's very close to my heart. I've written, composed, and sung it. It has released today officially on my YouTube page and my Facebook page. You can go follow it and check it out. That's called Hriday Ghatani. Other than that, the song is a acoustic ballad about a simple conflict between the mind and the heart, and I think it has and a very open-ended meaning. Everybody can take their own perception of it, whatever they want to, you know, take out of it. It's open to interpretation completely. It's a melodious song or is something else? It's a melodious song, yes. Okay. So is any difficulty to compose it? You also, I heard you also sing it and compose it. Correct. Yes. So, any difficulty come into that? In fact, this one came pretty naturally. I've been working on composing and I've been songwriting since around 3-4 years now. Yeah. And I've been working on a lot of material. I perform around 10-12 originals of mine with my band wherever we do our shows. So this was one that actually came pretty naturally. This was, one of those. It wasn't that difficult. The lyrics was something where the hook came to me on one night when I was just sitting and trying to think of something. So the hook came to me, which is, Hum hai suljhe, man hai uljha. Man ka kya bharosa, fitrate badalta. And I thought that was just perfect, so I wrote that down, and I got some help from a friend of mine called Bhavesh Mehta. He also writes, so we sat together and kind of jotted down the entire rest of the lyrics and structure of the song. Your earlier songs in banjo. Correct. बहुत उनको सराया गया वो song को, बहुत hit मिले हैं. इसके बाद आपका पहला ये single song है. सही बात है. Is any nervousness when you get when you thought come to make this? इट इज़ लिटिल, मतलब एंशियस तो हूँ थोड़ा, नर्वस भी हूँ थोड़ा, क्योंकि खुद का गाना है और खुद रिलीज़ कर रहे हैं हम, तो थोड़ा एंग्जाइटी रहती है कि बाकी किसी और की कंपोजिशन और लिरिक्स पे गाना अलग बात होती है. वहाँ पे यू नो यू जस्ट लैंडिंग योर वॉइस, यहाँ पे सब कुछ मेरा है, द कंपोजिशन एवरीथिंग. सो इट इज़ लिटिल नर्व रैकिंग, बट बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कि जितना भी अभी तक प्यार मिला है फ्रॉम द रेडियो स्टेशंस एंड फ्रॉम यू नो हूएवर्स हर्ड द सॉन्ग, दे रियली लाइक्ड इट, एंड आई एम जस्ट वेरी ग्लैड अबाउट दैट, एंड आई होप द पीपल आल्सो लाइक इट द सेम. इन एनी कॉम्प्लीमेंट यू गेट फ्रॉम अ बॉलीवुड फ्रेटर्निटी अबाउट दिस उलझा? कपल ऑफ देम एक्चुअली. अब हाल ही में मैं मिथुन से मिला था, तो उन्होंने इनफैक्ट एक मेरे को बाइट भी दिया रेडियो के लिए, और उन्होंने कहा कि ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड यू शुड नॉट, टू द पीपल ही सेड, सर ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड यू शुड नॉट मिस इट फॉर एनीथिंग. ऑल्सो रहमान सर से बात हुई थी उस दिन, उनको भी मैंने सुनाया था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू रन इट बाय हिम, ही इज़ लाइक अ मेंटर टू मी, सो आई वॉन्टेड जस्ट रन इट बाय हिम वंस बिफोर रिलीजिंग इट. और उन्होंने भी कहा कि आई रियली लाइक द ब्रिज, जो ब्रिज है उसका जो ट्यून है, मेलोडी है और हुक है, उनको बहुत अच्छा लगा. तो या आई थिंक काफी अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं धीरे धीरे. आई नो वेरी सून सम ओवर, देयर इज अ ट्रेंड गोइंग ऑन, देयर इज अ ओल्डर सॉन्ग मेकिंग अ कंपोजिंग अ न्यू इन अ न्यू वे. व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट प्रोसेस? आई मीन सी, आई थिंक हर, जैसे मैंने ये पहले भी कहा है कि हर म्यूजिक की जगह होती है, हर टाइप की म्यूजिक की जगह होती है, कुछ गलत कुछ सही नहीं होता. म्यूजिक इज अबाउट फील, म्यूजिक इज अबाउट जो आप कहना चाह रहे हो. तो माय फील इज कि अगर पुराने गाने को रिवाइव करना है तो क्यों नहीं, आई मीन व्हाई नॉट, बट डू इट नाइसली एंड डू इट इन समथिंग यू नो इन अ वे व्हिच वेयर इट्स डिफरेंट. तो समटाइम्स यू कैन गेट जेम्स आउट ऑफ इट. इनफैक्ट देयर इज वन ऑफ द फ्यू बेस्ट दैट आई फील रिक्रिएटेड सॉन्ग्स इज बचना है हसीनो, जो विशाल शेखर जी ने ही किया था, एंड वाज रियली नाइसली डन. बहुत ही अच्छा फील आया था उसमें, रणबीर ने भी बहुत अच्छे से किरदार निभाया था उस गाने में. व्हिच इज योर फेवरेट ओल्ड सॉन्ग व्हिच यू वांट टू कंपोज इनटू द न्यू? ओह वाओ, इट्स अ टफ वन, देयर आर सो मेनी, बट आई थिंक वन दैट शॉली कम्स टू माई माइंड इज लग जा गले. दैट्स सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. उसके काफ़ी लोगों ने कवर्स और रिविजिट किया हुआ है उसको, बट दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम द ओल्डन डेज. कैन आपके जो नए गाने सिंगल्स, करेक्ट, उसके दो लाइन सुन सकते? श्योर, ऑफकोर्स. हम है सुलझे सुलझे,
मन है उलझा उलझा, मन का क्या भरोसा, फितरते बदलता, पल में दौड़ता है, पल में है फिसलता. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स. अरे पुष्कर भाई, चिल्ला थोड़ा पीछे चलो ना, करने दो भाई. संदीप भाई हटो. अरे कैमरा क्यों बंद है? संजय भाई पीछे हो ना. सर यहाँ पर देखिए, गोविंद थोड़ा पीछे साइड आ रहा है. आ जा देंगे चले भाई. लो क्या क्या दिया. ठीक है. थैंक यू. ओके डन. चलो आइए.